हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धौलपुर गांव में एक चालाक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी की पकड़ में भी नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की आँख से काजल चोरी कर लेगा तो भी किसी को इसकी भनक नहीं लगेगी। गांव में चोरी करते करते अब उसे बोरियत होने लगी थी। वह दूसरे चोरों के बीच अपनी धाक जमाना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न राजधानी जाकर राजमहल में सीधी सेंध मारी जाए, इससे दूसरे चोरों के बीच भी उसका रुतबा बढ़ेगा। यह सोचकर वह राजधानी आ गया। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहाँ सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। कई दिनों तक रेकी करने के बाद उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वह समय बताने के लिए हर घंटे बाद बजती थी। चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे की किले और हथौड़ी लेकर राजमहल में पहुंचा और जैसे ही घंटी बजती वह दीवार में एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज़ में हथौड़े की आवाज़ दब जाती और वह किसी को पता भी नहीं चलता था। इस तरह उसने 12 किले ठोक दिए। उन किलों के सारे वह महल में दाखिल हो गया और हीरे ज्वारा चोरी करके रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल में चोरी करने में कामयाब हो सकता है। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दे दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदल कर मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन कौन से सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का भेष धारण करके उनके घर पहुंचा। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नियां चाहती थी कि उनका ही पति चोर पकड़े। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने सभी की पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति का वेश धारण कर घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज़ निकाले लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और उस पर गर्म कोयला फेंक देना। इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नियों ने हामी भर दी। वहीं सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह चार बज गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि अब घर चलकर थोड़ा आराम किया जाए। जब वे घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु की बात सच हो गई, जरूर ये चोर हैं जो भेष बदल कर आया है। वे जलता हुआ कोयला अपने पतियों पर फेंकने लगी। इससे सारे सिपाही घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरे दिन राजा को जब सारी बात का पता चला तो वह चिंतित हो गया। उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर हाजिर किया जाए। कोतवाल ने शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। इस दौरान कोतवाल को एक युवक आता दिखा। कोतवाल ने उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम? युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल को यकीन नहीं हुआ, भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है। उसे लगा युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। वह युवक जो कि चोर था तैयार हो गया। कोतवाल उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर बोला कि कोतवाल साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। कोतवाल बोला, इसे खोला नहीं जा सकता। चोर बोला, आप अंदर जाइए, मैं बताता हूँ इसे कैसे खोल सकते हैं। कोतवाल मान गया। जैसे ही वह अंदर गया, चोर ने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था कि मैं चोर हूँ, आप माने नहीं। कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी कह सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा दंग रह गया। अब उसने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। रात होने पर राजा ने गश्त देना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर ने साधु का भेष बनाया और एक पेड़ के नीचे धुनी जमा कर बैठ गया। गश्त के दौरान राजा इधर उधर
के चक्कर काट रहा था। इस दौरान उसने पेड़ के नीचे साधु को बैठे देखा तो पूछा कि बाबा, इधर से किसी अजनबी इंसान को जाते देखा है क्या? साधु के वेश में बैठा चोर बोला कि मैं ध्यान में था इसलिए देख नहीं पाया। इस दौरान राजा को एक विचार आया। उसने तय किया कि वह साधु की पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर नज़र रखेगा और साधु जो कि चोर था को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर के चक्कर लगा सके। पहले तो इस चोर को इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी चर्चा के बाद वह राजा के कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया। राजा जब साधु के बीच में पेड़ के नीचे बैठ गया, इस दौरान चोर ने राजा के कपड़े पहने और घोड़े पर बैठा और महल में जाकर आराम से सो गया। जब पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बजे के करीब राजा को लगा कि साधु तो अब तक लौटा नहीं और न ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा है, तो उसने महल लौट जाने का फैसला किया। अब वह महल में फाटक के पास पहुंचा तो पहरेदारों ने सोचा कि राजा तो काफ़ी समय से महल आ चुके हैं, ये ज़रूर कोई बैरूपिया है। उन्होंने राजा को पहचानने में गलती की। वह राजा के पैरों में गिरा और गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ़ कर दिया। राजा ने महल पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया है और उसकी पोशाक में फरार हो गया है। अगले दिन जब राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने आए तो उसे बख्श दिया जाएगा, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहाँ मौजूद भीड़ से निकल कर आया और बोला कि मैं चोर हूँ। सबूत के तौर पर उसने राजा की पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान में बुद्धिमानी और ईमानदारी है तो वह विषम परिस्थितियों में भी खुद को साबित कर सकता है। थैंक यू।